आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो अभी हमने मल्टी वेंडर ऐप बनाई है उसमें हमें नया फीचर डाला है, क्योंकि बहुत सारी सुपरमार्केट, गारमेंट स्टोर, यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स होती हैं, वहाँ पे टच के थ्रू सिलेक्शन करना, सर्च करना, कैटेगरीज करना, उसको टफ जॉब है। उसमें हमने एक नया फीचर डाला है कि कस्टमर किसी भी स्टोर में चला गया और उसके बाद उसको सिंपली वहाँ पे उस आइटम पे जो बार कोड लगा होता है उसको स्कैन करना है, ऑटोमेटिकली उसका जो कार्ट है वो रेडी हो जाएगा, जो जो भी उसने आइटम सेलेक्ट करनी है। जैसे अभी देखेंगे ऐप के ऊपर यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरे पे हम कहते हैं तो यहाँ पे मेरा जो बार कोड कैम स्कैनर है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और सपोज करो ऐसे करके जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स कस्टमर ने सेलेक्ट की, तो पहले क्या होता है कि वो आइटम सेलेक्ट करता है, फिर डालता है, फिर काउंटर पे आता है और उसके बाद फिर वो बिल बनाने के लिए वेट करता है, पीसी बिजी होता है, बिल बनाने में टाइम लगता है। तो अभी क्या है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कस्टमर गया वहाँ पे आइटम सेलेक्ट की, सारा किया और चेकआउट किया, अपनी डिटेल डाली, सेव किया, सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली जो बिल है वो पीसी में आ जाएगा, मतलब पॉज में आ जाएगा, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिसमें इस तरह की फैसिलिटी है कि ये ऐप है जो इंटीग्रेट है फुली ईआरपी के सॉफ्टवेयर के साथ। हमारा जो मेन मोटिव है कि हमें इंडस्ट्री में जो एक गैप है कि ज़्यादातर जो जितनी भी आप ऐप्स देखेंगे ई कॉमर्स ऐप पे फोकस है, इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है, पूरा ईआरपी नहीं है। हमारा फोकस है कि कोई भी आइडिया हमें जहाँ पे लगता है कि यार यहाँ पे इतनी आइटम्स हैं इसको कैसे मेंटेन करेंगे। अभी बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सुपरमार्केट में कहीं कहीं तो सुपरमार्केट ऐसी होती है यहाँ पे 10,000 आइटम है, तो 10,000 आइटम की फ़ोटो लगाना, फिर उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करना, फिर कार्ट करना, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई कस्टमर वहाँ पे विज़िट करता है उसकी फ़ास्ट बिलिंग हो, ये हो, वो कैसे पॉसिबल होगा। तो उसके रिगार्डिंग ही ये हम एक नया सोल्यूशन लेके आए, एक यूनिक फीचर लेके आए हैं कि कोई भी पर्सन अगर किसी सुपरमार्केट में जाता है वहाँ पे सिर्फ अपना जो स्कैनर है उसको लॉगिन ऑन करेगा और उसके साथ जितनी भी आइटम कार्ट करेगा बिल उसका फास्ट बन जाएगा। अभी क्या है कि किसी के पास टाइम भी नहीं है और आने वाले टाइम में जैसे कोविड है या सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ ही मतलब इम्प्लीमेंट होंगी, टेक्नोलॉजी के साथ ही इन सारी चीज़ों का समाधान है। नई नई चीज़ें ऐसी हम जो भी हमारी टीम डिस्कशन कर रही है, जो भी पॉसिबल है सभी जगह यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है, हम उसको लेके आ रहे हैं। अभी आप जितनी भी सुपरमार्केट्स हैं उसका अगर आप उनको गाइड करते हैं कि आपके पास इतनी आइटम्स हैं, फीड कर ली, बारकोड ऑटोमेटिकली इसका लग गया और उसके बाद वो बारकोड आपके लगे हुए हैं उन्हीं बारकोड को आप यूज़ कर सकते हैं या नए बारकोड सॉफ्टवेयर से लगा सकते हैं। कि स्पीडबस 9 में तो बारकोड बनाना इतना सिंपल है कि एक फोर्थ क्लास का बच्चा भी बारकोड डिज़ाइन कर सकता है, आपको पता ही है, आपने वीडियो देखा होगा। तो इस तरह से आप जितनी भी सुपरमार्केट हैं, ग्रॉसरी, किराना, कहीं भी आपको लगता है उनको गाइड करो प्रॉपरली, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वहाँ पे पूछो कि भैया हम आपको अब सॉफ्टवेयर भी देंगे, ऐप भी देंगे जिसके साथ आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली आइटम सेलेक्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी हैं। और साथ में डेफिनेटली थोड़ी सी कोशिश करो कि हमें थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है सबको, तभी सबको रोज़गार मिलेगा, डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी। कहीं पे ऑपरेटर चाहिए तो ऑपरेटर भी वहाँ पे प्रोवाइड कराओ, ये हमारा सबकी एक कोशिश होनी चाहिए। एक अच्छा मतलब एंटरप्रेन्योर को एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए जिसको थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग आती हो, जो प्रमोशन कर सकता हो, जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकता हो, जो अकाउंटिंग जानता हो। अगर ऐसा किसी स्टोर को बंदा मिल जाता है तो डेफिनेटली उस स्टोर की और ग्रोथ हो जाएगी। तो ऐसे बंदे भी आप थोड़े थोड़े ट्रेंड करके उनको प्रोवाइड कराओ। और इसकी आप व्हाट्सएप से मार्केट कर सकते हो, फेसबुक से मार्केट कर सकते हो, वो आपको सारा हमने डेली वीडियो में बताते हैं। और नए नए अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो माई टीम हमारा CRM है, पार्टनर CRM है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारे टिप्स ट्रिक्स और कैसे आपको इस इंडस्ट्री में और आगे बढ़ना है डेली देखते रहिए। शुक्रिया जी, थैंक यू, खुश रहो।